Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share introduction question. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन. सो गाइज, ये पार्ट वन है. पार्ट टू होता है जो आई स्पीकिंग में, वो होता है आई स्पीकिंग क्यू कार्ड. एंड पार्ट थ्री होता है, उसमें होते हैं फॉलो अप क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यू कार्ड्स. सो गाइज, द टॉपिक इज जीन्स. तो जीन्स से रिलेटेड जो भी आपको आपकी आईएलटीएस स्पीकिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आईएलटीएस एग्जामिनर की ओर से, तो आज के इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे. तो आप बने रहें इस वीडियो में. तो गाइज, अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आईएलटीएस से रिलेटेड देखने के लिए. और गाइज, अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए हमारी लेटेस्ट वीडियोस का, तो आपको बेल आइकन सिंपली प्रेस करना होगा और ऑल पे क्लिक करना होगा, जिससे कि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन आ पाए. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में. और कोई भी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन देना हो, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स. So guys, without wasting any time, let's start today's video. The first question of today's video is, do you wear jeans? तो आपसे simply पूछा गया है कि क्या आप jeans पहनते हो. Jeans आपको पता है वो होते हैं जो पैंट होती है, उसको jeans बोलते हैं. Actually jeans तो सब पहनते ही हैं, सबको पता है jeans एक कपड़ा ही होता है, सबको पता है. So the answer of this question is yes, हाँ आई वेयर जीन्स, कि मैं जीन्स डालता हूँ या डालती हूँ. नॉर्मली गर्ल्स भी जीन्स डालते हैं एंड बॉयज भी. सो अब तो हर टाइप ऑफ जीन्स आते हैं, जैसे बच्चों के लिए भी आते हैं, तो नॉर्मली सभी जीन्स डालते हैं. बिकॉज, क्योंकि आई फील कम्फर्टेबल इन दिस, क्योंकि इसमें मैं कम्फर्टेबल फील करती हूँ, जो कम्फर्टेबल फील करता हूँ. मोर ओवर आई हैव मैनी जीन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मेरे पास डिफरेंट कलर्स की काफ़ी सारी जीन्स हैं. एस जैसे कि इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आइटम्स ऑफ क्लोथिंग, जैसे कि ये मेरी जो फेवरेट आइटम है, जो कपड़ों में जीन्स मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट आइटम है. सो गाइज, आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर गाइज, अगर आपको फिर भी समझ ना भी आया हो, तो आप नीचे जो ट्रांसलेशन है आंसर की, वो आप रीड कर सकते हो और ये आपको पंजाबी में मिल जाएगी. So guys, the next question is, how often do you wear jeans? तो आपसे पूछा गया है कि आप कितनी बार जीन्स पहनते हो. लाइक अगर आप एक महीने में पहनते हो, कितनी बार डालते हो, एक वीक में, या फिर आप एवरी डे डालते हो. जिस अकॉर्डिंग आप डालते हो, उस अकॉर्डिंग आप सिंपली बोल सकते हो. So the answer of this question is, I wear jeans. मैं जीन्स पहनती हूँ 3 or 4 times in a week, 3 या 4 बार डालती हूँ एक हफ्ते में. सो एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, 7. तो 7 days में मैं कितने बार जीन्स डालती हूँ, 3 या 4 बार. सो वेरी फ्रीक्वेंटली डालती हूँ जीन्स. तो गाइज, अगर आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको ये नहीं बोलना अच्छा भी नहीं लगा हो, तो आप ये भी बोल सकते हो, आई वेयर जीन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, कि मैं जीन्स पहनती हूँ या पहनता हूँ लगभग हर रोज. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट्स योर चॉइस. सो गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक वियरिंग जीन्स, वाई? तो आपसे पूछा गया है कि आपको जीन्स पहनना पसंद है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं. सो द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज यस, हाँ आई लाइक वियरिंग इट, मुझे जीन्स पहनना पसंद है. वियरिंग इट मतलब इसे, इसे मतलब जीन्स को बोल रहे हैं हम. बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अ पीस ऑफ क्लोदिंग विद विच आई कैन कंबाइन एनीथिंग लाइक शर्ट, टी शर्ट एक्सेट्रा. तो मुझे ये जो जीन्स हैं वो सिंपली पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि जो ये कपड़े का जो टुकड़ा है, इसको मैं किसी के साथ भी डाल सकती हूँ, कमीज़ के साथ डाल सकती हूँ, जैसे कि शर्ट हो गया उसके साथ डाल सकते हैं, टी शर्ट हो गया, या फिर कोई भी कमीज़ हो गया, जैसे कुर्ती होती है उसके साथ भी जीन्स डाल लेते हैं. तो किसी के साथ भी इसको मैं पहन सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ये डालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. अगर आप बॉयज़ हो तो शर्ट टी शर्ट बोल सकते हो, गर्ल्स हो तो भी ये बोल सकते हो. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, व्हाई डू यू थिंक जीन्स आर पॉपुलर? तो आपसे पूछा गया है कि
आपको क्यों लगता है कि जो जीन्स हैं वो आजकल पॉपुलर हो रही हैं? आपको क्या लगता है कि ये पॉपुलर हैं या नहीं? अगर हैं तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक, मुझे लगता है देयर आर मैनी फैक्टर्स बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ जीन्स, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स मतलब कारण है, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्धि, मतलब जो जीन्स की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि या जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है वो, उनके पीछे जो कारण है बहुत सारे हैं। फर्स्टली, फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्टली का ही हम तीन मेंशन करेंगे, थ्री मेंशन करेंगे। सो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्टली, दीज आर वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर, कि ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आरामदायक है डालने के लिए। सेकेंडली, जीन्स आर वेरी फैशनेबल विद वेराइटी ऑफ डिज़ाइंस एंड कलर्स, कि जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं, और इसमें क्योंकि वेराइटी ऑफ कलर्स आ जाते हैं, डिज़ाइंस आ जाते हैं। थर्डली, दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कि ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।